वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप लोग कर दो। तो अब हम जा रहे हैं गाइस, ये वाला नारियल पानी लिया था। तो सो गाइस, इस टाइम पहुंच चुके हैं हम मानपुर वाले कॉलेज में, डिग्री कॉलेज है। सो गाइस, फाइनली हम बसोली में पहुंच चुके हैं। ये रहा बसोली का हॉस्पिटल। आप मुझे एक चीज कमेंट करके जरूर बताना, इस कैमरे की क्वालिटी कैसी अच्छी लग रही है आपको? अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। सो गाइस, बढ़िया ही रहना। सो गाइस, आज है 10 अप्रैल की, ये जो दिन है वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 2-3 दिन बाद मैं आपको ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, रिलेटिव को भी पता होगा, बट जो मैं आपको दिखाऊंगा ना अपनी फोन से और अपने कैमरों से, वो आप सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। क्योंकि आज हम जा रहे हैं बसोली, ठीक है? मैं आपको दिखाऊंगा, ये रहा बालटल वाला ब्रिज, ये है बालटल ब्रिज। तो इस टाइम जा रहे हैं हम बसोली वाले ब्रिज में, और साथ में कुछ रिलेटिव के घर पे जाएंगे, तो उधर हमारा कुछ पर्सनल काम है, वो भी दिखा देंगे। तो ये व्लॉग बनाने का मेरा कोई भी प्लान नहीं था, बट मैं कुछ आ रहा था काम से, तो मेरे रिलेटिव ने कुछ बोला और कुछ मेरे भाइयों ने बोला कि तू जा रहा है तो व्लॉग बना ही दे, क्योंकि मैंने न्यू फ़ोन ले लिया। मैं आपको बता दूँ किसने दिया था और इसका कुछ सब कुछ बताऊँगा। ये व्लॉग एंड तक आप बने रहना, इतने तक बने हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। इस पहले हम लेट हो रहे हैं और चलते हैं सीधा लेटेस्ट के घर और दिखाते हैं आपको अटल सेतु ब्रिज और सब कुछ, इंट्रोडक्टरी दूंगा आपको। पहले चलो अपने रिलेटिव का, लेट्स गो। और मैं और मेरा भैया शायद भूल गया, ये देखो मैं और भैया, भैया जी हाई कर दो। तो अब हम जा रहे हैं अपनी स्कूटी में, थोड़ा सामान है और मैं और भैया जा रहे हैं। तो ये वाला बालटल ब्रिज आपको बताया, और उस टाइम थोड़ी सी ये देखो, चलो साइड वाली प्लेस देख लो सारी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नहीं है, बट तो थोड़ी चीड़ वगैरह है, आपको डोगरी में पता होगा चीड़ वगैरह बोलते हैं इनको। तो लेट्स गो, चलते हैं हम अभी अपने रिलेटिव के। तो लेट्स गो। सो गाइस, इस टाइम पहुंच चुके हैं हम मानपुर वाले कॉलेज में, डिग्री कॉलेज है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मानपुर। तो इस टाइम ये रहा उसका गेट, और ये कुछ एंट्री जो कि मानपुर अड्डे पर जाती है। तो चलते हैं, देखो भैया जी हाई कर दो। भैया जी ने सुना है बट देख रहे थे बट बोला नहीं, क्योंकि न्यू बंदे को पता नहीं होता है अगला बंदा कौन है, चाहे बड़ा यूट्यूबर हो चाहे छोटा यूट्यूबर, उसका इंतजार करते हैं, क्योंकि उसको पता है अगला बंदा सक्सेस हो रहा है। भी किसी के पता, हर लोग अपने करते हैं, इसे मैं बोलता हूँ, सारे अपने फोकस पर ध्यान दो और कैरियर बनाओ भाई, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? सबका कैरियर सेट है, जिस तरह सेट है वो तो इंजॉय कर रहा है, जिसका नहीं आना सेट वो इंजॉय करो। क्योंकि अब से जो भी मेरे ब्लॉग आएंगे वो ये बड़े इंटरेस्टेड ब्लॉग होंगे, क्योंकि जो खासियत मैं बनाऊंगा इस ब्लॉग में या अगले न्यू ब्लॉग में वो सबसे अलग होगी। पहले आप मानपुर वाले रोड का व्यू चेक कर लेंगे, इतना खास नहीं है, रोड ठीक है बट जो इन रोड पर आते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसकी वजह से ये रोड है वो डेंजर हो जाते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह के कारण ज़्यादा केस हो जाते हैं। इसी कारण जो ये रोड है यहाँ पर ट्रैवलिंग कम करता है, ज़्यादातर बस में ट्रैवलिंग करता है, हमें रिस्क लगता है ट्रैवल किया है। आपको इतनी देर में आप टाइम लैप्स बाजार जो कि महान पर गया है, क्योंकि मुझे इस कारण पता है जहाँ कि यहाँ पे मैंने RSS के 2 कैंप लगाए हैं, और यहाँ पे मैं 1-2 बार पहले गया, इसी कारण मुझे पता है देख रहा है ये ब्लॉग मेरे देखेंगे। मुझे पता है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना उनके रिलेटिव यहाँ पे हैं, वो मैं उनको घर भी दिखाऊंगा, मेरे फ्रेंड की मामी जी के घर यहाँ पे है साइड, वो भी दिखाऊंगा। तो पहले आप मानपुर वाला आटा देखिए, ये नॉर्मल है। सो गाइस, जो मैं आपको बोल रहा था वो ये रहा नूरोटा वाली जगह, हमें कुछ कुछ दुकानें हैं इस साइड है, ये देखो कांग्रेस का बोर्ड लगा लाल सिंह को, और इस बार वो बताओ जो जो कांग्रेस को वोट देंगे जिसे इसका वोट बना है वो बच्चे कमेंट कर दो, क्योंकि मुझे पता है 18 साल के ऊपर से भी लड़के या कोई भी मेरी वीडियो देखता है। ये देखो भाई कितना डेंजर था कुत्ता, और हम अभी पहुँचने वाले हैं कम से कम भी को 10 मिनट में, क्योंकि हम 10:15 बजे के चढ़े हुए हैं इस स्कूटी पे, तो और अभी टाइम 12:30, ठीक है? और ये देखो नॉर्मली व्यू है, हमने सोचा था बसोली तरफ ज़्यादा खास होगा, बट नहीं, सिर्फ ठंडी हवा है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है भैया ड्राइविंग करते हुए, और कर दी क्योंकि इतने ज़्यादा कान गर्म हो गए थे, मेरे वोट सारे
और इतना हो जाएंगे कि मैं पैर घर पर जाके हो जाएंगे। तो चलते हैं फिर, दिखाते हैं आपको सीधा अभी जो भी दिखता है आगे। फिलहाल हॉस्पिटल दिखेगा, उसके बाद आ जाएगा अटल से तो ब्रिज पर। गाइस ये वाला नारियल पानी लिया था, दो लिए थे, तो मतलब कि महानपुर से चले हैं। तो टाइम देखो 12:30 हो रहे हैं और सुबह चले हैं, सुबह 10:15 बजे चले हैं। तो बालों की हालत देखो, मेरे मुंह की हालत देखो, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और पूरे रोड पे दुबई साइड पे हमें एक पेड़ मिला और उसके नीचे हम अभी खड़े हो गए। तो अभी हम जाने वाले हैं, पहले पीते हैं नारियल पानी, उसके बाद चलते हैं सीधा मसौली, क्योंकि सुबह से आ रहा थक लग गई है बॉडी। और जो भी छोटी छोटी क्लिप मिलेगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। लास्ट कर चलो, फाइनली कम से कम भी 3.5 घंटे के बाद ये हम दिख गया जो कि हॉस्पिटल है, CHC हॉस्पिटल। तो अभी हम पहुंचने वाले थे बसोली, इसी कारण ये आ गया था। तो कोई 3.5 घंटे या 3.25 घंटे लगे, क्योंकि स्कूटी पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे लग ही जाते हैं। हम आराम आराम से आए, इसी कारण 3 घंटे लग गए। तो मैं अदर आगे ये टाइम लैप्स आ गया, मैं टाइम लैप्स दिखा रहा हूँ आपको। और जो भी इतने तक ब्लॉग में बनाया है वो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि पिछले बार भी लड़कों ने लाइक कम करे हैं। इस टाइम जल्दी जल्दी 400 पहुँचा दो इस वीडियो से पहले, पर मुझे पता है पहुँच ही जाएंगे एक आधे दिन में। तो जो भी इतने तक बना है वॉइस को इग्नोर करना और ब्लॉग। सुबह यहाँ से ले लिया हम फ्रूट वगैरह, मेरा भाई, और स्कूटी लगा दी यहाँ पे और पहुँच गया ये बसोली वाला पूरा अड्डा। ये देखो चेक करो, फाइनली हमने गलियों में एंटर कर दिया है। तो जरा हनुमान जी का मंदिर, साथ में इधर रामलीला वगैरह होती है, ये देखो। अब ओके, इसे लेफ्ट साइड ये देखो, ये रहा इसके इस तरफ पूरा पार्क, यहाँ पे लोग सारे खेलते हैं। और इधर लगे हम स्कूटी, फिर चलते हैं आगे। सो गाइस इस टाइम है हम बसोली की गलियों में, हम गए थे लेटेस्ट घर, तो हमने खाना वगैरह खा लिया, उनके घर कार्ड वगैरह जो देना था, कार्ड देना, ठीक है, तो वो हमने दे दिया है। तो अभी हम जाने वाले हैं इस टाइम घर पे, फिलहाल सोचने वाला ट्रक से तो जाना था, बट टाइम तो बच चुके हैं, तो कम से कम भी हमें सिंतर पहुँचने 3 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि स्कूटी पे ज़्यादा स्पीड नहीं खींच सकते, क्योंकि डर है, रोड भी डेंजरस है, सर ज़्यादा नहीं खींचते, आराम आराम से जाएंगे। देखते कितने बजे पहुँचते हैं, फिलहाल इस अड्डे पर पहुँच चुके हैं ये देखो बसोली वाला। यहाँ पे मतलब वो होता है रामायण वगैरह, यहाँ पे मुझे दिखाई देती है, राम भगवान वगैरह इधर आते हैं। चलो चलते हैं फिर थोड़ा आगे, और चलते हैं फिर अच्छी सी लोकेशन पे, यहाँ कोई अच्छा मिलेगा। सो गाइस फाइनली भाई का मूड बन चुका था, तो अभी भाई मान चुका था यहाँ पे जाने के लिए। तो यहाँ से लगभग कोई 2 किलोमीटर दूर होगा, तो अभी हम ट्रैवल कर जा रहे हैं। तो मैं इधर बाइक सवार कर रहा हूँ, मेरी बाइक को इग्नोर करना, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा थी और मैं बाइक सवार करने लग पड़ा। तो अभी ठीक है, मैं पहुँचने वाला वहाँ पे, अभी वहाँ की आवाज़ आप सुन लो और वहाँ की वीडियो आप देख लो। गाइस जो चीज़ मैं नोटिस कर रहा ना इस टाइम, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पानी जो इतना तगड़ा है ना यहाँ पे, ब्लू कलर और पर्पल कलर, चौक लगा हुआ है, कठुआ लगा हुआ, पुलिस लगा, भाई खूबसूरती देखो ब्रिज की। इसकी मैं आपको एक खासियत बता देता हूँ, मैं वॉइस ओवर कर दूंगा इस पूरी लोकेशन में, पूरा एक्सप्लोर कर दूंगा। पहले हम ये देखो भाई, रुक गया, मैं आपको बाद बता दूँ, मैं हेलमेट बोल लेता हूँ। तो गाइस फाइनली यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया मैं वॉइस ओवर कर दूंगा, मैं फोटो रख दूंगा अपना और वॉइस ओवर पूरा कर दूंगा। ये देखो जी,
सो गाइस ये जो ब्रिज है ना, इसकी जो हाइट है वो 200 मीटर और जो इसकी लेंथ है ना वो 600 मीटर है। ये पूरा ब्रिज है जो 2 किलोमीटर में बढ़ता है। इसकी मैंने पूरी खासियत देखी, आधा जो ब्रिज है जो मैं हम जिस साइड खड़े हैं वो JNK वाला हिस्सा है, जो उसके अपोजिट है वो पंजाब वाला हिस्सा है। तो ये देखो आप ब्रिज, ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। पानी इतना अच्छा था, पर्पल और ब्लू कलर का दिख रहा था हमें ऊपर से। भाई जी आपको कैसा लग रहा है इतने दूर 5 घंटे ट्रैवल करके, वो बता दो बस। अच्छा लग रहा है भाई की पूरी हालत हो चुकी है क्योंकि इतना ट्रैवल हमने किया है, बट ऐसे तगड़े रास्तों में हमने पहली बार किया क्योंकि हम जाते नहीं हैं ऐसे कहीं भी घूमने के लिए। बट आज काम भी था, जैसे आपको पता चल गया होगा काम भी था। और आप मुझे एक चीज़ कमेंट करके जरूर बताना, इस कैमरे की क्वालिटी कैसी अच्छी लग रही है आपको? अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये ब्लॉग। चलिए देखो भाई, कम्प्लीट हो चुका है अभी हम जानते हैं। फिलहाल बड़े सारे बंदे भी थे, बड़े हमने क्योंकि हम ब्लॉगर हैं तो कैमरा निकालने में किसी चीज़ का डर नहीं है। और एक चीज़ बता दूँ, जो भी बंदा ब्लॉग बनाता है ना तो कैमरा निकालने से किसके सामने बड़े ना डरो, क्योंकि अगर तुम लोग डरोगे ना तो मतलब कि अगले बंदे तुम पे हंसेंगे, ठीक है? इससे बेहतर है तुम कैमरे से डरो, क्योंकि जब तुमने एक बार कैमरा निकाल दिया तो अभी टाइम हो रहा है सवा दो अड्डे में। ये अड्डा वाला यहाँ से हमें शॉर्टकट लिया है और मिलते हैं सर आपको बता रहा। सो गाइस फाइनली हमारा जो भी हमने खाना करा था अड्डा जो कि पीछे था, बट ये जो है छोटी मोटी दुकानें हैं यहाँ पे। सो गाइस फाइनली जो भी हमारा सुबह से लेकर इतने तक काम हुआ आपने देख ही लिया होगा, तो मुझे लग रहा है कि ये वाला व्लॉग शायद हिट चल गया है क्योंकि मैंने बहुत दिन कोई 2.5 महीने बाद ये व्लॉग बनाया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। पर एक मेरी बात सुनो, रुको, एक मैं आपको लड़की से मिलाना चाहता हूँ जो कि मेरी रिलेटिव है लिया, उससे मिलाना चाहता हूँ। उसके आपको यूट्यूब चैनल का नाम बताऊँगा साथ में, उससे मिलाता हूँ पहले। तो गाइस ये है लिया शर्मा। लिया शर्मा कैसे हो आप? तो गाइस इसका चैनल का नाम है, क्या आपका चैनल का नाम? लिया डांसर। आगे पूरा नाम 622 लिया डांसर 622 याद से जो भी मैंने नाम बोला डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और जल्दी से जल्दी उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके कितने सब्सक्राइबर हुए तेरे? 91 है। जल्दी से जल्दी इसके 150 करवा दो, ठीक है? मुझे पता है आप 2-3 दिन में करवा दोगे, बट उस चैनल पे स्पोर्ट दिखाना थोड़ी सी, क्योंकि स्पोर्ट दिखाओगे तो ये डांस भी अच्छा अच्छा करेगी, ठीक है? प्रॉमिस है? हाँ, स्पोर्ट दिखाना वो 5-7 दिन के, मुझे पता है आप करवा दोगे। जल्दी से जल्दी करवा देना। आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।